बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट मनस्थली से। डॉक्टर ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और हमारे साथ हैं प्रगति सुरेखा जो कि बाल मनोवैज्ञानिक हैं। प्रगति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ज्योति, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूँ। बहुत बेसिक चीज़ है, क्या लैक कर रहे हैं इंडियन पेरेंट्स कि हमको ये रिपोर्ट चलानी पड़ रही है? ये पेरेंट्स जान क्यों नहीं रहे हैं कि एग्जैक्टली अपने बच्चों को कैसे बड़ा करना है? हम बहुत ज़्यादा कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं बच्चों को लेकर, और वो इमोशनल पूरे बर्डन में हम जो एग्जैक्टली कैसे रेस करना है बच्चे को, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, बाद में परेशान होते हैं। तो क्या है प्रॉब्लम और उसका सलूशन? बहुत सटीक मुद्दा उठाया दीपक आपने। इनफैक्ट जब मैं ये रिपोर्ट देख रही थी, मैं कह रही थी कि इतनी कॉमन सेंस की बातें, लेकिन हमें इन्हें दिखाना पड़ रहा है, इमेजिन कि क्या हो गया है। बिकॉज हम जब पल बढ़ रहे थे तो ये बड़ा कॉमन सेंस चीजें होती थी और हम नहीं हो पा रहे हैं। तो रिसर्च में ये देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशंस डेवलप कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की हम तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो आमतौर पे लोग जानते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में, चार तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, तो इंडिया में जो प्राइमरली पेरेंटिंग स्टाइल रहा है वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल रहा है, जिसमें कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बट लेटली धीरे धीरे जो होता गया है वो एक परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल होता जा रहा है, जिसका कारण जिसमें चाइल्ड सेंट्रिक पेरेंटिंग स्टाइल है। अब देखा जाए तो दोनों तरह के पेरेंटिंग स्टाइल, जो एक पेरेंट सेंट्रिक है या चाइल्ड सेंट्रिक है, वो कहीं ना कहीं आके असंतुलित हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि हम सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहें तो भी प्रॉब्लम है, और अगर हम सिर्फ बच्चे की बात मानना चाहें तो भी प्रॉब्लम है। सो आई थिंक ये रिपोर्ट हम इसीलिए हमें दिखाने की जरूरत पड़ रही है कि कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो चुके हैं एज पेरेंट्स कि हमें बच्चे की बात माननी है या हमें वो बातें करनी है जो हमारे पेरेंट्स हमको कहा करते थे, क्योंकि एकदम से सडनली लाइफ में इतना बदलाव आया है। तो जो बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है, जैसे कि अथॉरिटेटिव पेरेंटल पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं, जिसमें प्राइमरली एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है, जिसमें एक डिस्कशन की अप्रोच होती है कि क्या करना चाहिए, वो बेस्ट मानी गई है। पर जो बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के जीवन में, वो हम सबके साथ आ रही हैं, बच्चे हम ही से लर्न कर रहे हैं, वो है हमारा जो लाइफस्टाइल जो है काफी हद तक बिगड़ चुका है। फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ गैजेट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए जरूरी है। पहले जब स्कूल जाते थे तो पहला असेंबली का टाइम ही होता था जहाँ पे हम पीटी कर रहे होते थे या हमें योगा सिखाया जा रहा था, वो नहीं है। पहले अगर आपको दूध लेना होता था तो जाना पड़ता था, कोई सामान लेना होता था तो जाना पड़ता था। आज एक ही घर में, एक कमरे से दूसरे कमरे में हम बच्चे को बुला रहे हैं तो मोबाइल फोन पे बुला रहे हैं। तो आई थिंक जो चीजें पहले एक रूटीन का हिस्सा होती थी जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो वाली चीजें जो अब है हमारे जो हमें सुविधाएं हमने इकट्ठी कर रही है। बात आपने डॉक्टर ज्योति बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। एक्चुअली हमने एक चीज और देखी है कि हमने भी बच्चों को ना ग्रुप्स में रिप्लाई करने की आदत डलवा दी है। हम जैसे ऑफिस में एक ऑफिशियल ग्रुप होता है और उसमें अपेक्षा की जाती है कि हर एम्प्लॉई उसमें अपने जब भी उसकी बारी आए तो उस हिसाब से उसमें रिप्लाई करें, हम बच्चों को भी वो आदत डला रहे हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं इस बात से कि आपने ग्रुप में रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैं तो आपको ये कहा गया था। तो एक अजीब सा एक कल्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओपन कम्युनिकेशन का एक इशू तो है ही हमारे यहाँ। हम क्यों नहीं, प्रगति जी, हम क्यों नहीं ओपन डायलॉग रख पाते हैं हमारे बच्चों के इमोशंस के बारे में, उनके पर्सनल इश्यूज के बारे में, सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में? अभी भी हम उस पर बातचीत नहीं, देखिए थोड़ा तो परिवर्तन आया है इंडियन पेरेंट्स में, बट अभी भी हम सेंसिटिव टॉपिक्स, पर्सनल इश्यूज पे बात करना, हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को बिगाड़ देंगे हम अगर ये बातें करेंगे। एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी एरिया है ना जहाँ पे एक कंट्री का कल्चर पता चलता है। जब आज के पेरेंट्स बच्चे थे तो उस समय एक कल्चर था कि बच्चे दिखने चाहिए लेकिन उनके मुंह में आवाज नहीं होनी चाहिए। उस समय की जो पॉपुलर मूवीज है, कल्चर थी, वही दिखाते थे कि माँ बाप ने जो बोल दिया वही सही है। तो आज जब वो बच्चे बड़े हुए हैं तो वो भी उसी तरह का एक रिस्पेक्ट चाहते हैं, लाइक डूज एंड डोंट्स उनके दिमाग में बहुत एच्ड है। तो कई टॉपिक्स उनको लगते हैं कि टैबू है बच्चों के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्योर रिलेशनशिप्स जो है, सेक्स है, इंटिमेसी है,
या करियर गोल्स जो होता है केवल उसके बारे में पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि खाली काम काम का बात करें या यू नो ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, एक सेइंग इंग्लिश में होती है, जिसका मतलब है कि खाली काम की बातें अगर हम लोग करें और रिलैक्सेशन और इजी टॉपिक नहीं करें तो ऑटोमेटिकली डल हो जाएगा। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्या है, बहुत डूज एंड डोंट्स आजकल आ गए हैं कम्युनिकेशन के लिए। एब्सोल्युटली तो इसीलिए बच्चे जो है वो ये उनको ये लगता है कि पेरेंट्स को जो भी बोलो वो हमारी बात नहीं समझेंगे। और पेरेंट्स इतना ज्यादा आजकल एक्सपेक्ट करने लग गए बच्चों से कि लगता है कि जो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है वो एक्चुअली एक सीईओ बन गया है। तुम्हारा क्या क्या एक्टिविटीज है, तुम्हें क्या चीज करना है, लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बनना है। तो बचपन और जो भोलापन जो बोलते हैं वो चीजें आजकल बिल्कुल डिसअपीयर कर गई हैं। और ये एक चीज, पहली एक चीज संकट क्या जो है, है, एब्सोल्युटली मैम, एक संकट जो है, और मैं डॉक्टर ज्योति आपके पास आना चाहूंगा, एक संकट ये भी आया है कि बच्चों की तरफ से भी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका भी एक क्राइसिस रहा है। आजकल जितना तेजी से सोशल मीडिया पे बच्चे इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो कभी कभी लगता है कि वो ओवर मेच्योर भी हो जाते हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर, तो ये बैलेंस कैसे बने, इंडिपेंडेंस भी बनी रहे बच्चों की और साथ ही साथ में उनको एक नेसेसरी गाइडेंस भी मिलती रहे, ये नो ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में, ये हम बैलेंस कैसे बनाए, एक पेरेंट कैसे करे इसको? दीपक, शायद आपसे मैं कुछ टाइम पहले यही बात डिस्कस कर रही थी जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा सोशल मीडिया का कल्चर है उसकी क्या एज होनी चाहिए और कहाँ पे आके वो बैलेंस आता है। तो जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो बड़ा साफ साफ बोलती है कि 18 मंथ की उम्र तक हमारे पास स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, 2.5 साल की उम्र तक आपका एक्सपोजर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भी जो एक्सपोजर है वो एक सर्टेन एज मतलब 5, 7, 8 साल के बाद होना चाहिए। प्रॉब्लम इशू ये है कि किसी भी चीज को लर्न करने के लिए एक बच्चे को समय लगता है। अगर मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि मुझे किस स्थिति में मुझे क्या बताया जा रहा है, उससे मेरी लर्निंग हो रही है और उसे मैं अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकता हूँ, उसमें समय लगता है। और जो ओवर स्टिमुलेशन, ओवर एक्सपोजर सोशल मीडिया की वजह से या इंटरनेट की वजह से हमारे बच्चों पे मिल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन तो गेन कर रहे हैं पर वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो रही है। उस इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, उस चीज की जो एक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी चाहिए होती है, वो बच्चे नहीं लर्न कर पा रहे हैं। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि आज की डेट में बच्चे भी माँ बाप की नहीं सुन रहे होते हैं। बिकॉज अगर माता पिता बोलते हैं बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तो वो कहते हैं कि वहां तो ये लिखा है, उसने तो ये किया है, वो तो ऐसे करता है। तो उसको किस पर्टिकुलर आपके एनवायरनमेंट में, किसी परिपेक्ष में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज करना है, वो जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है वो बच्चे लर्न नहीं कर पा रहे हैं। और यही आई थिंक समवेयर इट्स वन ऑफ द मेजर इश्यूज की हमारी जो स्ट्रेस टॉलरेंस है, तनाव सहने की क्षमता है, वो कम होती चली जा रही है। बिकॉज वो टॉलरेंस के लिए, उस डेवलप करने के लिए हमें वो एक्सपोजर और वो पेशेंस और वो मुझे लगता समय है चाहिए। कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और इनफैक्ट इनफैक्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग अब तक ये बन पाई कि एज अ पेरेंट एक लीडरशिप क्राइसिस है। पेरेंट्स खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि वो करें तो क्या करें। एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं, स्क्रीन टाइम कम करना है बच्चे का, हेल्दी हैबिट्स डलवानी है। दूसरी तरफ अगर बच्चा 4 दिन मोबाइल से दूर रह गया तो उनको फोमो हो जाता है कि मेरा बच्चा तो टेक्नोलॉजी से दूर ना हो जाए, कहीं वो रेस पे छूट ना जाए। तो मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स में कंफ्यूजन की स्थिति है और वो लीडरशिप क्राइसिस आ गई। और अगर अच्छा लीडरशिप नहीं मिलेगा तो अच्छा पेरेंट भी नहीं मिलेगा, ये एक थोड़ा सा इशू रहता है। लेकिन अब बड़े क्विक मैं आप दोनों से सवाल पूछूंगा और फटाफट फटाफट जो पेरेंट्स के क्वेश्चंस हैं मैं चाहूंगा कि क्विकली आप उनका आंसर दे दें। पहला सा सवाल यही है कि साहब बच्चा पढ़ता नहीं है, उस पे अच्छी पढ़ने की आदत कैसे डलाएं? सुरेखा जी, प्रगति सुरेखा। बच्चों को अगर अच्छे से पढ़ाना है ना तो 4 आवर्स ऑफ लर्निंग होता है, रीड राइट रिवाइज री राइट। सेकेंड क्या है, एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, अगर बच्चा 15 से 18 साल के बीच में है तो उसकी एप्टीट्यूड कहाँ है वो समझना बहुत जरूरी है। और उसके हिसाब से अगर पेरेंटल एक्सपेक्टेशन रहे तो बहुत इजी हो जाता है कि बच्चे को क्या सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आ जाए पेरेंटिंग में तो पेरेंटिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी, डिफिकल्ट भी नहीं होगी और वो ज्यादा बिल्कुल उसके रिजल्ट्स भी ज्यादा बेहतर होंगे। डॉक्टर ज्योति, बच्चा खाता नहीं है या सिर्फ जंक फूड ही खाता है, ये हर दूसरे पेरेंट की प्रॉब्लम है, कैसे निपटें?
सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने बात की ये सब लर्निंग से होता है, तो जंक फूड को मंगाना क्यों है, उसको घर में लाना क्यों है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा खाएगा नहीं अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे, और मैं उन पेरेंट्स को यही बोलती हूँ, कोई बात नहीं, नहीं खाएगा तो गलत खाने से ना खाना ज्यादा बेहतर है। तो जब भी मेरे पेरेंट्स मेरी बात होती है बच्चों के पेरेंट्स से, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि जो चीजें आपने अपने मन में बना ली है ना कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो नुकसान हो जाएगा, या उसने उसकी बात नहीं मानी, या उसको गुस्सा आ गया, या वो परेशान हो गया तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मिथ्स हमें क्लियर करने की जरूरत है। सही खाना बहुत इंपॉर्टेंट है गलत खाने से। सही खाना कैसे खाना है, किस समय पे खाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल दिखा के, टीवी दिखा के आप खाने को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। जब हम हैबिट्स की बात करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे लिए हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं। जब हम किसी चीज को महत्व देते हैं तो वो हैबिट बनती है, जब हम उसको महत्व नहीं देते तो वो हैबिट नहीं बनती है। तो अगर हम हेल्दी ईटिंग को महत्व देंगे, इस बात को नहीं कि तुम टैंट्रम कर रहे हो उसको महत्व नहीं देंगे हम, तुम लोग कि खाओ ये बहुत जरूरी है, नहीं तो मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, उस चीज को महत्व नहीं देंगे, पर हेल्दी ईटिंग को महत्व देंगे तो वो चीज हमारे लिए आसान हो मुझे जाएगी। लगता है बहुत सिमिलरली इंपॉर्टेंट टिप जब हम है, बाहर से एब्सोल्युटली ऑर्डर मैम। करते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए जा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले पाऊँ, इसलिए मैं फटाफट फटाफट जा रहा हूँ। प्रगति जी, एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स कहते हैं साहब हमारा बच्चा जो ऑनलाइन गेम है उसमें तो कई लेवल पार कर चुका है, लेकिन आउटडोर गेम्स खेलने ही नहीं जाता, क्या करें? इसका कारण एक ये है ना कि आउटडोर गेम्स पेरेंट्स भी जो है एक कल्चर शुरू से नहीं बनाते। जरूरी है कि बचपन से ही पेरेंट्स उसको रोल मॉडल करें। जब अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी और स्टिमुलेशन रहेगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली प्ले की तरफ जाएंगे आउटडोर एक्टिविटीज के कारण। कई बार पेरेंट्स भी करते हैं ना, बोलते हैं अरे गाड़ी की सुविधा नहीं है, इतना दूर जाना पड़ेगा, तो बच्चे क्या है ना सब चीज सोक इन कर लेते हैं। तो अगर आपको आउटडोर एक्टिविटीज एनकरेज करना है तो जरूरी है पेरेंट्स वो फैसिलिटीज एनवायरनमेंट और उसके बारे में बचपन से ही बात करें। जब एब्सोल्युटली बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई टीवी के सामने बच्चे को खाना खिला रहे, उस समय पहले क्या करते थे, माएं जो है बच्चों से खेलते खेलते खिलाते थे, तो एक प्ले का कल्चर रहता था। तो बहुत जरूरी है आउटडोर गेम्स के प्रति स्टिमुलेशन बहुत अर्ली एज से हो। ऑल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली डॉक्टर ज्योति। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो हर कोई पेरेंट्स, हर कोई तो नहीं लेकिन एक एक लेवल अप हो चुके हैं कुछ पेरेंट्स, अच्छी पेरेंटिंग करते करते उनके बच्चे हो गए हैं ओवर सेंसिटिव। अब वो हर बात पे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हर बात पे कहते हैं, वो एक तरह से वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए हैं छोटे छोटे बच्चे। तो ये ओवर सेंसिटिव जो बच्चे हो गए हैं इनको कैसे बैलेंस किया जाए, वापस पटरी पर लाया जाए? तो दीपक, को अंडरलाइंग इश्यू वही है कि स्ट्रेस टॉलरेंस नहीं है, इसका मतलब है कि ओवर सेंसिटिविटी आ गई है। और क्योंकि ये ओवर एक्सपोजर है, आपको इन्फॉर्मेशन है पर उस इन्फॉर्मेशन को यूज करना नहीं आ रहा है, तो हमारे अंदर एक टॉलरेंस की कमी आ गई है। तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि वो जो बच्चा जो टैंट्रम कर रहा है या बात नहीं मान रहा है, वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है कि वो आपको तंग करना चाहता है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि उसमें खुद उस चीज को हैंडल करने की क्षमता नहीं है। तो जैसे अभी सुरेखा ने भी बात की थी कि कम्युनिकेशन इज द की, आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि बच्चे अगर आप परेशान हो रहे हो तो क्या कारण है, क्या आपको महसूस हो रहा है जिस वजह से आप परेशान हो रहे हो, और हम उस परेशानी का समाधान कैसे निकाल सकते हैं। बिकॉज जनरली एज अ पेरेंट आप भी बहुत सारी चीजों से जूझ रहे होते हैं, तो एक सिंपल सी चीज होती है कि यार क्यों रो रहे हो, चुप करो, इस बात पे कोई रोता है, जी या क्यों परेशान हो रहे हो, या क्यों गुस्सा हो रहे हो। हमारे भी दोस्त ऐसे कहते थे या हमको भी कह जाते थे, हम तो इतना अपसेट नहीं होते थे। तो हियर हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप ऐसा मत कीजिए, पर आप क्यों कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट वी कम्युनिकेट विद द चाइल्ड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एंड वी बिल्ड अ रिजाइलियंस, स्ट्रेस टॉलरेंस जिसको कहते हैं, तनाव सहने की क्षमता बिल्ड करनी है। उसको ये नहीं कहना कि जो तुम कह रहे हो वो, जो तुम महसूस कर रहे हो वो गलत है, उसको ये कहना है कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो आप पे अगर नेगेटिव इफेक्ट, एक एब्सोल्युटली, यानी कि नकारात्मक बातचीत करें, जो कम्युनिकेशन प्रभाव आपने कहा, डाल बातचीत करें, सवाल पूछें, तह तक जाने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, बजाय कि आपने एक पूरा जजमेंट दे दिया कि साहब ये गलत है ये सही है और आपको ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। तो मेरे को लगता है कि इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने वक्त निकाला, डॉक्टर ज्योति कपूर। बातें तो बहुत सारी करनी थी आप दोनों से लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति सुरेखा जी, आपका भी वक्त निकालने के लिए।